आज देखिए जेड प्लस अकेडमी की तरफ से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जितने भी मेथड्स दिए गए हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स मेथड की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसके दो सब मेथड्स हैं, या तो यस को सब्स्टिट्यूट करिए वाई के रूप में या वाई को सब्स्टिट्यूट करिए एक्स के रूप में। इनमें से किन्हीं भी एक सब मेथड का आप यूज करेंगे सॉल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि यक्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक इक्वेशन हम उठाते हैं। अब देखिए एक इक्वेशन जो हम पिछले मेथड्स में लिए थे सेम इक्वेशन को अब आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू y के रूप में आप लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं तो 2x plus y is equal to 7। x को खाली करिए, x की वैल्यू y के रूप में स्थापित करना है आपको, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। जैसे आज एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं खेलेंगे इनकी जगह, आज दूसरे खिलाड़ी खेलेंगे, तो x की वैल्यू को जो है आपको y के रूप में रख देना है। कमा x की वैल्यू y के रूप में निकालिए, 2x is equal to करेंगे y इधर प्लस है, घर जाके माइनस होगा 7 minus y, फिर x is equal to करेंगे यह आ जाएगा 7 minus y upon 2, ये होगा आपका अलग क्रिएशन हो जाएगी। और अब दूसरे इक्वेशन को पकड़ते हैं और x की वैल्यू लेते हैं, ये यहाँ पर 4x और minus 3y है, 3y इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर ले जाकर ये क्या होगा ऐड हो जाएगा प्लस 3y। अब x इज इक्वल टू जब करेंगे माइनस 1 प्लस 3y अपॉन 4, ये होगा x की वैल्यू। यह पहले इक्वेशन से x की वैल्यू है या दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू है, जबकि दोनों तो x की ही वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और जैसे ही आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगा तो फिर वही कहानी सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ। देखिए कैसे, एक पहले से x की वैल्यू y के रूप में ये स्थापित हुई है और दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू ये स्थापित हुई है, देन 7 माइनस y अपॉन 2, पहले इक्वेशन की वैल्यू क्योंकि दोनों x की वैल्यू है दोनों को बराबर करेंगे, माइनस 1 प्लस 3y अपॉन 4। अब ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह a by b is equal to c by d दिया रहे, हमेशा ध्यान रखिएगा a by b is equal to c by d दिया रहे, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुजरते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा a into d is equal to b into c, द सेम यहां पर फॉलो करिए। अब 4 यहां 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर इधर न्यूमरेटर में, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में किया जाएगा। अब देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 से बन जा, इसमें मल्टीप्लाई जब 7 माइनस y में होगा तो 7 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा और y में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 मल्टीप्लिकेशन हुआ 28 माइनस 4y इज इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई करिए माइनस 2 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा 3y में भी, ये आ जाएगा 6y। अब 6y को इधर खींचिए, 6y को जब इधर लाएंगे इधर प्लस इधर माइनस होगा तो माइनस 4 माइनस 6 यह हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू 28 उधर जाएगा, 28 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 28 प्लस में है उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 28 माइनस 2 माइनस 30। और दोनों तरफ अगर फुल लेफ्ट हैंड साइड, इधर फुल लेफ्ट हैंड साइड फुल राइट हैंड साइड अगर माइनस माइनस दिए हैं तो दोनों माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं। y is equal to 10 इधर मल्टीप्लाई y को आप खाली करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बना, और जब y को खाली करेंगे 10 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाते डिवाइड करेगा, देन 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो इसको दूसरे में पुट कर देंगे, पुट करके जो सबसे इजी इक्वेशन है जिसमें सबसे कम कोएफिशिएंट है, कम ऑन इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 2x plus y इज इक्वल टू 7, ये सस्ता सा एक इजी सिंपल इक्वेशन आपका पहला है, इसको उठा लेंगे। अब y की वैल्यू जो 3 है यहां पर पुट कर दिए, 2x plus y की वैल्यू कितनी आई 3,
इज इक्वल टू 7, फिर 2x इज इक्वल टू करेंगे 3, इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा, ये हो जाएगा 4, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए x को खाली करेंगे, ये भी वन वेरिएबल बन गया, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। जो वैल्यू हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसी इक्वेशन की निकाले थे, द सेम वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी देखिए जैसे हमने प्रतिस्थापन में दो सब मेथड, चाहे एक्स को वाई के रूप में सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे वाई को एक्स के रूप में सब्स्टिट्यूट करिए, तो मैंने आपको शो किया कि एक्स को पहले इक्वेशन से वाई के रूप में, फिर दूसरे इक्वेशन वाई को सब्स्टिट्यूट करिए, वाई के रूप में सब्स्टिट्यूट करिए, इसके बाद दोनों को बराबर कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा, और इसके बाद आराम से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। उसी तरह y की वैल्यू भी दूसरे सब मेथड में भी जाएगा, y इज इक्वल टू करके देखिएगा x के रूप में क्या आता है, पहले इक्वेशन में फिर दूसरे इक्वेशन में, जो वैल्यू पहले इक्वेशन निकलेगी दूसरे इक्वेशन निकलेगी, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो y ये आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो इससे y की वैल्यू किसी सिंपल और इजी इक्वेशन में रख दीजिएगा, जैसे कोएफिशिएंट कम हो या ना के बराबर हो। अब देखिए, अब हम आपको सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल, यह एक स्पेशल तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है जिसका हमने अपनी तरफ से नाम रखा है ITUS, मींस इसकी टोपी उसके सिर, यह नाम इसलिए दिया गया है कि एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन की जो भी मुसीबत है उसको अपनी मुसीबत डाल कर दूसरे इक्वेशन को पढ़ना देना है, अब दूसरे इक्वेशन की बात है कि वो अपना वैल्यू निकाले। देखिए इसमें चार सब मेथड्स आ जाएंगे, यह एक ऐसा यूनिक है इसमें चार सब मेथड से जो है आप किसी भी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल्स का, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला सब मेथड आपका होगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू, जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन में आप लोग लिए हैं, एक्स की वैल्यू वाई के रूप में पहले इक्वेशन से निकालिए और उसी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, तो यह लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा, और जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया तो इसके बाद सॉल्यूशन सिस्टम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसी तरह दूसरा सब मेथड यूज कर सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालिए, पहले में रख दीजिए, तो भी आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो तीसरा रास्ता अप्लाई करिए कि y की वैल्यू पहले इक्वेशन से x के रूप में निकालिए और उसको दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, या फिर दूसरे इक्वेशन निकालिए पहले इक्वेशन में रख दीजिए, इनमें से किसी भी एक रास्ते को अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही इजीली निकल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक शो कर दे रहा हूं, किसी भी एक से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे में हम रख दे रहे हैं, देखिए कैसे निकलता है इसका जो। अब देखिए कैसे एक की मुसीबत हम दूसरे को पढ़ाते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है इसकी टोपी उसके सर। अब पहले इक्वेशन से x की वैल्यू y के रूप में निकालते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाले थे वही वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। अब देखिए पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू कुछ इस तरह निकाले थे, इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू y उधर जाएगा माइनस होगा, 7 माइनस y होगा, और फिर 2 उसको डिवाइड करेगा, यानी x की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसी वैल्यू को हमको रख देना है सेकेंड इक्वेशन में, तो 4 into x की जगह कितना आया, इस वैल्यू को रखेंगे 7 माइनस y अपॉन 2 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1। अब बढ़ते आगे, कमान 2 4 को काटेगा कितने टाइम से आएगा, 2 टाइम्स 2 जा, कमान अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 7 बाइनोमियल जो द्विपद है बाइनोमियल इसमें होगा, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 में होगा, 2 7 जा 14, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस वाई में होगा, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए जो नॉन वेरिएबल उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, 14 उधर जाएगा, 14 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15, क्योंकि 14 उधर जाएगा माइनस, और दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, देन 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 आ गया,
अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह सॉल्यूशन सिस्टम का हो जाएगा। ठीक इसी तरह ध्यान रखिएगा, ठीक इसी तरह एक्स की वैल्यू दूसरे इक्वेशन निकालिएगा, पहले इक्वेशन में रख दीजिएगा, तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा सिस्टम का। या फिर वाई वैल्यू पहले इक्वेशन निकालिएगा, दूसरे में रख दीजिएगा, तब भी मिल जाएगा। या फिर दूसरे से निकालिएगा पहले में, यानी चार सब मेथड्स इस तरह के। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ में जितने और भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो आप ये प्रमोट करिए कि जो असर की एजुकेशन वहाँ पर कॉन्वेंट में दी जाती है, उस तरह की एजुकेशन आपको ऑनलाइन मिलेगी। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।